So in the last class we discussed about the functions of brain. हमने brain के structure के बारे में देखा, brain के different parts क्या क्या functions execute करते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो I hope आपको ये वाला जो section है ये बिल्कुल clear होगा, बहुत ज़्यादा questions इसमें से आते हैं। I suggest you to revise it properly। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन क्या क्या काम करते हैं इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस करें। टुडे वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हम दो सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, और जो सेकेंड सेक्शन रहेगा उसमें हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोथ और वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स सीन इन द प्लांट्स। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ मोशन वी कैन क्लासिफाई इन प्लांट्स, और टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। द फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट and the other is nastic movement। मतलब the plant movements can be classified into two types, tropic movements and nastic movements। Now let us understand what are tropic movements। Tropic movements are number one essentially growth movement। अगर कहीं पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म की बात आएगी तो इसका मतलब दिस इज ग्रोथ। कोई ना कोई पार्ट प्लांट का जो किसी तरह की मूवमेंट दिखा रहा है वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है। तो पहली बात तो ये ग्रोथ है। हाँ, दूसरी बात कि द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस इज द डिस्टर्बेंस। तो डिस्टरबेंस जो भी होगा सराउंडिंग्स में, अब वो लाइट हो सकता है, वो टच हो सकता है, वो ग्रेविटी हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, जो भी होगा, वाटर भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस मूव करेगा आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। मतलब डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ is influenced by the direction of stimulus। ये दो बातें इसमें ध्यान रखेंगे। जबकि जो nastic movements होते हैं they are non-growth movements। movement है कभी कभी तो वैसे होते हैं जैसे कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है, लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं उनमें ग्रोथ कभी नहीं होती है, वो ग्रोथ मूवमेंट हो नहीं सकते। ठीक है, तो प्राइमरीली दे आर ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। तो अगर हम सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के बारे में भी बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव डिफरेंट टाइप्स, यानी फाइव टाइप्स का ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। ए नंबर वन दैट इज दिस टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो यू अंडरस्टैंड दैट इज लाइट, वी कॉल इट फोटोट्रॉपिज्म। द ट्रॉपिक मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट, फोटो इज लाइट, सो द ट्रॉपिक मूवमेंट और द ग्रोथ मूवमेंट influenced by the light।
The example is very simple. That is, the growth of plant's shoot or plant's stem. Stem का जो upper part होता है उसको shoot बोलते हैं ना, 9th class में सीखा था हमने. तो उस shoot का growth movement towards the direction of the light is known as phototropism. एक छोटा सा experiment है. आपकी बुक में शायद उसका डायग्राम भी होगा. दिस इज वन कि हमने एक क्लोज बॉक्स में एक पॉटेड प्लांट रख दिया. पॉटेड प्लांट आप समझते हो, इस पॉट में रखा हुआ प्लांट पॉटेड प्लांट कहला रहा है. तो ये पॉटेड प्लांट को आपने रख दिया और एक्चुअली इट शुड बी अ एब्सोल्युटली क्लोज्ड बॉक्स. हाँ, उसमें एक छोटा सा होल कर दे, इतना बड़ा खिड़की भी नहीं, छोटा सा एक होल कर दे हम और ऑब्जर्व करें. आफ्टर 3-4 days वी विल सी दैट दिस प्लांट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट. Whatever the source of the light is, ये तो उस तरफ grow करने लग जाएगा. This shows the phototropism. तो the growth of stem, हम कहते हैं कि ये positive phototropism है कि light की तरफ grow कर रहा है. Root के movement को कभी कभी negative phototropism कहा जाता है कि वो in the opposite direction of the light grow कर रही है, हालांकि उसका कोई direct significance नहीं है. तो हम example की तरह से याद करेंगे. Example for this is growth of shoot or stem towards light. Light की तरफ shoot का या stem का growth. Second example is geotropism. Geotropism, जब geo word आता है तो हमें समझ जाना चाहिए that we are talking about the gravity. यहां पर जो हमारा stimulus था वो light था. Light is the stimulus. यहां पे stimulus is gravity. The gravitational force exerted on the object by the earth is known as gravity. तो gravity अगर influence करने लगे growth को तो हम इस type के movement को geotropism कहते हैं. उसके लिए एक example लिया जा सकता है कि we take a plant. हाँ, हमने कोई plant लिया और उसको इस तरह से horizontally place कर दिया. जो ये ऐसा ही पॉटेड प्लांट है, हमने टेढ़ा रख दिया उसको. इधर ये उसकी लीव्स है, ये मतलब शूट है और ये रूट है. हाँ, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो व्हाट वी सी दैट आफ्टर सम टाइम द स्टेम स्टार्ट्स ग्रोइंग अप एंड द रूट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. हाँ, दे विल स्टार्ट गोइंग लाइक दैट अलग अलग डायरेक्शन में. तो स्टेम इज ग्रोइंग In the opposite direction of the gravity, this is the direction of the gravitational force. Or this is the root is moving in the direction of gravity. तो हम जो root की movement हो रही है उसको हम positive geotropism बोलते हैं. और shoot की या stem की जो movement हो रही है उसको हम negative geotropism बोलते हैं. यानी In the opposite direction of the gravitational force. ठीक है? तो geotropism is the growth movement of plant under the influence of gravity. Then the third one is hydrotropism. हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर. दैट मींस इन दिस केस द स्टिमुलस इज वाटर. एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म कैन बी कॉल्ड एज द ग्रोथ मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर.
वाटर के इन्फ्लुएंस में ग्रोथ मूवमेंट प्लांट का हो रहा है। इसमें हम रूट का, जो हमारी प्लांट की रूट होती है उसका मूवमेंट देखेंगे कि जो रूट है वो टुवर्ड्स द वाटर ग्रो करती है। इन द रीजन्स वेयर द अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज वेरी डीप, यानी कि वो वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे चली गई है, वहां पे ये देखा गया है कि ट्रीज की जो रूट्स है वो बहुत डीप जाती है। हाँ, ये भी देखा गया है कि अगर एट द बैंक ऑफ अ रिवर प्लांट्स लगे हुए होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स दोनों तरफ लगे हुए हैं, और हम अगर उनको अपरूट करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी रूट का मूवमेंट टुवर्ड्स द रिवर होता है। दे मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो एग्जांपल होगा द ग्रोथ ऑफ द रूट टुवर्ड्स द वाटर रिजर्वायर, वाटर सोर्स, जो भी वाटर सोर्स, जहां भी अंडरग्राउंड वाटर जहां भी होगा वो उस तरफ ग्रो करती है। फिर देखें डी, दैट इज नंबर 4, हमारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज केमिकल, द ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट और अ प्लांट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ केमिकल इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। We can take the example of the reproductive system of plant. In reproductive system of plant, if we see the plant structure, like this is the ovary, this is the ovary, this is the female reproductive part of the plant, of the flower. इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल का जो अपर पार्ट होता है उसको स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल और सबसे नीचे वाले को ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे ओव्यूल है, दिस ओव्यूल हैज टू बी फर्टिलाइज्ड। तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन को इंटाइन और बाहर वाली मेम्ब्रेन को एक्साइन बोलते हैं। हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कीमोट्रॉपिज्म की, कि इसके अंदर जो मेल न्यूक्लियस है दैट रिक्वायर्स टू बी रीच टू द ओव्यूल इन साइड द ओवरी फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सो दैट द जायगोट कैन बी फॉर्म्ड। सो नाउ टू move this nucleus towards the ovary, this pollen grain has to create a pollen tube, and this pollen tube grows under the influence of a chemical released by the ovary. हमने तो बहुत बड़ा फ्लावर बनाया, लेकिन फ्लावर इतना बड़ा नहीं होता, फ्लावर कंपेरेटिवली छोटा होता है, और यहाँ ओवरी से जो केमिकल निकलता है वो यहां पहुंच जाता है। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस केमिकल द इंटाइम ऑफ द पोलन ग्रेन स्टार्ट ग्रोइंग लाइक दिस, एक्साइन रप्चर हो जाता है एंड इट ग्रोज ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। दिस गिव्स वे टू द मेल न्यूक्लियाई टू रीच द ओव्यूल so that the fertilization may occur. तो chemotropism का example आप लिखेंगे the growth of pollen tube under the influence of a chemical released by the ovary. This is an example of chemotropism. Then fifth one, the last one, that is another example of tropic movement under the influence of touch. We call it thigmo.
थिग्मोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि द स्टेप्स विद द प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच कैन नॉट कैन नॉट हैव अ वर्टिकल ग्रोथ विदाउट अ सपोर्ट, सो दे टेक द सपोर्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग होल्ड, सम देयर हैज टू बी सम स्टिक और सम पिलर, एंड यू मस्ट हैव सीन दैट दे आर ग्रोइंग ओवर दैट। सो देयर मूवमेंट टेक्स द सपोर्ट ऑफ स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स दैट मे बी मॉडिफाइड लीव्स ऑल्सो, that can be modified stems also, but these type of structures are known as tendrils. So these tendrils help these plants which are known as climbers, which climb over a support. These tendrils help them to hold a particular place so that the plant can or the stem can climb over the support. So the growth of this tendril around a support, suppose this is a support, this is a support and the tendril grows like this. So this grows under the influence of touch. When this touches the support, it starts moving around it like this. Behind this, there is the influence of a hormone. We will talk about the hormone when we will talk the next section. So hormones, which are actually growth hormones, they influence the growth of tendril when a particular part of the tendril comes in dark. So they just make the cells elongated and the tendril go around the support. This growth of tendril is the example of thigmotropism, and here touch is the stimulus. यहाँ पे stimulus touch है. ये सब growth movement है, हम इनको tropic movement बोलते हैं. Mastic movements are non-growth movements, जहाँ पे growth नहीं होती है. There are two types of mastic movements. Number one, photonastic. Here the stimulus is light. Example is the movement of sunflower. Sunflower changes its direction throughout the day due to different intensities of light. So we call it sunflower. कि जैसे जैसे sunrise होता है और फिर different directions में move करता है. The intensity of the light and heat increases throughout the day, and due to that influence, the sunflower may change its direction to various positions. So we call that sunflower. You can also take the example of lotus flower, which opens in the morning time and closes in the daytime. The size of the flower does not increase, so we say that this is a non-growth movement, but this movement is mastic movement under the influence of light. The second example is thigmonasty. Thigmonasty is another non-growth movement under the influence of touch. So here the stimulus is touch. You must have seen the plant Mimosa pudica, that is touch me not. The plant touch me not or Mimosa pudica. In your book, we have seen some these are the illustrations. This is Mimosa pudica, and this is the leaf. When we touch it, the leaves close like this, right? So
दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट वेयर देर इज नो ग्रोथ. द प्लांट हैज नॉट ग्रोन, इट हैज ओनली रिस्पॉन्डेड टू द स्टिमुलस अराउंड इट. वट एवर द स्टिमुलस वॉज दैट वॉज टच, यू हैव टच्ड इट एंड द लीव्स क्लोज्ड. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉन ग्रोथ मूवमेंट, वी कॉल इट नेस्टिक मूवमेंट. Five growth movements and two non-growth movements can are displayed by a plant. तो ये बहुत easy है याद करने के लिए. आपको हर किसी का stimulus और उसका नाम और उसका example, बस ये तीन चीजें याद रखनी है. लिख लिख के practice करो. कल हम plant के hormones के बारे में, phytohormones के या plant growth regulators के बारे में बात करेंगे. Thank you.